भी झूठ बोल रहा है, ही इज अ बिग लायर। वो बंदा जिसको अभी भी शर्म नहीं है, कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, वो कैसे ओपन है? पहले मैं पुलिस से ये बोलना चाहती हूँ, इतना बड़ा केस हो गया, बंदा यहाँ पे मर गया, उस बंदे को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा है? चलो वेरिफिकेशन तो करनी है, पुलिस थाने में तो होना चाहिए, ये पहला डाउट होता है बंदे पे। दूसरा, मैं इनकी मतलब बहू हूँ, मुझे एक साल हो गया, 1 अगस्त को मुझे एक साल होगा शादी को, मेरे सामने आ गया, इनको घसीट के निकाला 1000 बार, बाहर आया, शमीम जो था मेरा हस्बैंड वो वॉशरूम में छुप गया। मैंने उसको बोला क्यों छुप रहे हो, बोला तुम क्यों नहीं पुलिस कंप्लेंट करते हो, तो पुलिस ऐसे यहाँ जीप है तो ऐसे रटन ऐसे दिवान मारन पोत फिर यहाँ सफ़र कदलता, बोला ये हमें ही मारता है, बोला इसको हम बोलते हैं अमिश टाइम दिवान पोसन या आओ अच्छे बान फट रही। मैंने उनको बोला शीशे टूट गए हैं हमारे, हमारे बर्तन है ना कॉपर के वो सारे बैंड हो गए हैं, आप देखिए मैं इनकी बहू हूँ, वो सारे बर्तन कैसे बैंड हो गए, वो शीशे कैसे टूटेंगे। ये आया मेरे सामने भी, मैं अंदर बैठी थी, मेरा हस्बैंड को शिवरिंग हो गई बहुत, इससे एक ही बात बोली इनको, मेरी ननंद और मेरी मदर इन लॉ निकली, उसने इनको बाहर बोला, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, किचन में मैं बैठी थी सुन रही थी, बोला कैचियम कैचियम कड़ुक नबर, इन्होंने बोला यहाँ पे नहीं है शमीम, काफ़ी डरा हुआ था, ये मैं बोल रही हूँ 2 महीने पहले की बात। फिर इन्होंने बोला क्या चीन से छीना इस बना अस दुमो से पोसा, लेकिन ये बेचारे बोल रहे थे मुझे अल्लाह देख रहा, इन्होंने बोला अस छीना चवाना तिम छी चवाना अस बनन पोसा अस दुमो से तम वार वार ओतरे दी ना चे 5000 तन कूता अस छी चवाना चे दी क्या टाइम और वन मे छो वना अश्क इथे के यही लैंग्वेज थी उस बंदे की। वो बहुत चीप है, मैं आपसे बोलती हूँ, मैंने उसकी लैंग्वेज सुनी किचन में, मैंने उसको नहीं तब देखा था, बोला मे छी वना अश्क ये तुम महलुक इलाकस मज कर कन्फर्म अश्क कुस को बुझो यप दीवार किन खसो सारी कड़ो खखर स्टोव सत वो स्टोव मुझे अभी भी याद है स्टोव सत लगो बस दिल मकानस मकान जालो सोरी बे कड़ो खखर सारी। फिर मैं जब अंदर थी मुझे भी बहुत डर लगा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये कैसे ऐसे ओपन है, ऐसा बंदा जो आपको मारता है, जो आपको रोज़ रोज़ उनको इंजरी यहाँ होती थी, पुलिस भी उनको मारती थी, यमो वैसे मैं बदनाम करमित, इनका काम भी यहाँ बैठ गया था, अमे से सोमरवि तमाम गंड झांडान तिमन कुहुंद कुहुंद करो तिमन सारे ओसमुत झांडा तिमन ओसमुत जमा कर वलू पकू अस करो गुंडा राज अस पुलिस सत कुनी चैनल। उसके बाद ये जब कंप्लेंट डालते थे अशकन कोर अस हमला इससे ऐसी गुंडगर्दी की, तब आते थे जीप लेके पुलिस, इन भाइयों को उठाते थे, शमीम को मेरे हस्बैंड को ज़्यादा उसको उठाते थे, उसको बहुत मारते थे, इतना पुलिस खश आसान यापुरी खश चपात आसान लाई मत उसको बहुत मारते थे, यह बहुत टॉर्चर था, यहाँ तक कि फिर वो मैसेजेस मुझे करता था, मेरे पास वो मैसेजेस हैं, बोलता था बो कर्नस परेशान अमे कर्नस तंग अमिस नहीं करा पुलिस तो कहन जग ये मैं अमे इन तंगन अमिस क्या करते ये लोग ये इनोसेंट थे। अब जब चैनल ही बंदे को हाई थी, अब मुझे बोलिए मेरा हस्बैंड मिसिंग था, मैं आपसे बोलती हूँ कल मैं गई SHO के पास अपनी मदर को लेके, मैंने SHO साहब को बोला आप मुझे बोलिए मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं आप ढूंढ रहे हैं, अब तो हो गए 15 दिन, बोला वो छुपा है, इन्होंने छुपाया है, आप देखिए SHO क्या बयान दे। मैंने बोला ठीक है इन्होंने छुपाया है मेरे ससुराल वालों ने, तो आप निकाल के दीजिए ना उसको, आप देखिए ना बयान से आपको बहुत पता चलेगा। मैंने बोला सर आप निकाल के दीजिए, मैं उसकी बीवी हूँ, मेरे सामने लाए, अगर मेरे ससुराल वालों ने उसको छुपा के रखा है लाए। फिर बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला क्यों छुपा के रखा है, आप जब मेरा जो ब्रदर इन लॉ है सुछ ओपन, मेरा हस्बैंड क्यों छुपा है? वहाँ से बोला आपका हस्बैंड इसलिए छुपाया गया है क्योंकि इनके मकान पे देखिए आशिक की आज बयान और SHO साहब की कल बयान। मुझे SHO मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, उस शमीम की कब्र की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। SHO साहब ने बोला इमन छुना आशिक तेम छु इमन मकानस थोमुत कुलुफ अम पो शमीम सत काकत दिमुत सुछ थोमुत सूर क्या कि आशिक इमन वन मकान काकत दियो अमस जिसकी डेथ हो गई तवे चोन हस्बैंड चूरी यमो थोमुत मकान काकत आसान ना तमस। अब देखिए कल मैंने पुलिस को बोला ठीक है अब काकत भी उसी के पास है, कर्जदार भी वही है, थेफ्ट भी वही है, मैं उसकी बीवी हूँ, मेरी शादी को अभी नहीं हुए 11 महीने, 1 साल होगा अगस्त को, ज़रा मेरे हस्बैंड को ढूंढ के लाइए आप मेरे पास। वहाँ से बोला फिर ठीक है
हम देखेंगे तीन दिन के बाद में, तीन दिन तक हम देखेंगे, तीन दिन के बाद आप यहाँ आना, मैं आपको जवाब। उसके बाद दो घंटे गुजार है क्योंकि उन्होंने अभी जो भी केस उठ गया, अभी जो भी एक्शन उठ गया डी कॉमन की वजह से, लेकिन एलजी तक ये बात नहीं पहुंची अभी तक। हम चाहते हैं उन तक ये बात पहुंचे। मैं उसकी बीवी हूँ, बोलिए, मेरी शादी नहीं नहीं हुई है, माई हस्बैंड इज मिसिंग फ्रॉम फिफ्थ, कुछ नहीं किया। आप देखिए ना, बांदा घूम रहा है ओपन, वो प्रेस कॉलोनी में दे रहा है अपना रिपोर्ट। बताइए, आपसे आखिरी सवाल करें। सुबह वो बहुत अच्छे से थे, मॉर्निंग में कोई टेंशन नहीं थी। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मैं ऑफिस निकली, ये दो भाई अच्छे से निकले, इनको कुछ काम था अपना पर्सनल, ये दोनों निकले। उसने मुझे अच्छे से, बहुत अच्छी ड्रेसिंग वैसिंग बहुत अच्छे से लगाई, वो निकले मॉर्निंग में। फिर दिन भर मैं ऑफिस में थी। एग्जैक्ट जब मैं ऑफिस से 6 बजे निकली, 6:30 में लोकल बस में थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला आप जाओ मायके, इनको यहाँ गुंडे आए थे, बात को सुना। और उसने सोचा होगा बीवी है मेरी, गंडा आयम वन बिचर छ नव ये तस रोज दोपन जी गो। मैंने बोला क्या, दोपन ऐसे आई आशका आई ऐसे वारिया नफर है या गंडे है, सो गए जता मायके, मेरा मायके नज़दीक है, वो दूर नहीं है, मैं यहीं पे काकसराय में रहती हूँ। बोला तू जाना मायके, मैंने बोला बड़ा दिन है, बोला शाम को मैं आऊँगा लेने, वो आता भी था। दोपन भी मैं लेट लेट, अब बात को सुनिए, लेट में आऊँगा लेने आपको, घर बड़ा दिन था ना, वो नहीं रखता मुझे मायके में। फिर मैं अब इस टाइम फ़ोन किया, यह उस मैं अगर एम वज़ काफ़ी परेशान क्या एम सी सामद घर गंडे वारिया। शाम तक मैं फ़ोन कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड फ़ोन ही नहीं उठा रहा। एग्जैक्ट मुझे 9:45 उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे रोते रोते कॉल किया, मुझे ये पता है वो रो रहे थे काफ़ी। मैं उनको यहाँ से बोल रही थी क्यों रो रहे हो, कुछ तो बोलो, गंडा आया, वो यही बोल रहा। हाँ, मैंने बोला तमो क्या कर, तमो ऐन कड़ित सारी, यमो ऐन सारी कड़ित, मम्मी तो ऐन कड़ित, यम आए अंदर, यमो शराबा वराबा क्या लोगमु चोन, बे लोगुक जगह सियन ओनुक गैसन पे रोनुक, यम छक बेनिच, यमो वे चारी लख शराब ओसुक सत्य। उसने मुझे बोला इन्होंने शराब भी साथ लाया था, उसने मुझे ये भी बोला यमो शराब ओनमुत, तवे वो मैं पोथस यमिस माज द्राय नबर, अस द्राय युकन परेशान अस क्या करो। दोपन मैं आपको अभी फ़ोन करता हूँ वापस, अके यूर करे वापस, मे तो ये बुत निश बन ऐसा घर त मगर ठहर ये परेशानी। ये बात करते करते ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वो एटलीस्ट मेरे साथ कम्प्लीट बात करते थे, लेकिन अच्छा बोला ये लोग, बोला ताला लगाया यहाँ पे, दोपन बुस इन सत कर, ये मुझे बोला यम कड़मित गर नबर मोज वोज वम गंडस जरूरी। जब एक बंदे को इस बेचारे को छोटे भाई को और इनको, फिर पोत पाई तम पुमुत टाश चुका तमिस त्रोमुत सुका दरियाबा ुनमुत कुछ भी नहीं पता। ये कत से तेम मे सोन यमो थो कुल यमो कड़ खखर सारी दोपन इन हमें गसित के निकाला दोपुक दी चु गैस वैस कोर्मुत ऑन लोगमुत पकवु यार इत कोमुत पकवु या लगव करव सब्जी स्टाट लागिन पकवु या कुठन मन चामत उसका ये रोने रोते रोते वो रोते रोते मुझे बोल रहा था ये बातें। और मैं आपसे बोलती हूँ, मे हस्बैंड दहली गा सह नबरदार लड़को, वो बहुत मतलब पढ़ा लिखा लड़का था, जाना माना पहचान, सोज मॉडल टाइप लड़का, सुनिया ना आपस वोट। अरे वो फेस करता था प्रॉब्लम्स को, वो जैसा लड़का नहीं सुसाइड करेगा। वो मुझे बोलता था लास्ट टाइम सीमेंट कदल में लड़की ने किया ना सुसाइड, उसने मुझे कमरे में बोला, मैंने बोला देखो ना लड़की ने सुसाइड, दोपन तूत गाना चुप कि सुसाइड कर, नोट दिस पॉइंट यप दीजिए, दोपन इन कूता गाना सारे खुद गाना चुस् खुले घूमे हैं इन्हों को पकड़ लीजिए ना, जिन्होंने अच्छा बोलिए ना जिसने ताला लगाया, घसीट के इनको निकाला, इन सबको धके देके बाहर निकाला। हाँ, सड़क पे है ताला, और फिर आया भी था वलू, जब शमी मिसिंग था ना ये आया था इनको वलू खोलो कुल्फ वन तो बुस होता बह दमो क्या टाइम, तब ये आया था, मगर जब इनका भाई मिसिंग था इमो खुलो ना कुल्फ तथि कहें कुल्फ च। अच्छा मेरे जो हस्बैंड है तु सोचो उस बरान तेमिस कत सान दिवान पे गि तेमिस कत पे कड़ान पे गि पे तथ कुल्फ दुत सान एटलीस्ट आखिरी टाइम पे तो अपने घर से ही निकलते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जब अगर नहीं दे सके क्योंकि इनको बाहर निकाला था, ये मैं साइड के पे, आप देखिए ना हम इतने दिन से शमी मर गए ना, मैं इनकी बहू हूँ, देखिए ना कहाँ से हम घूम रहे टेंटस मंस हुपर
ہُتنس ٲسۍ راتھ شمیٖمَس دِتُکھ ییٚتہِ سرٛان کُلُف چھُس گَرِ تُہۍ ؤنِو مےٚ یہِ چھُنا ظُلُم اور وہ بندہ کیسے ارے میں ان سے یہی بولتی ہوں ارے کیا ایسے انصافی نہیں ہے ایک تو گنڈے آئے گسیٹ کے نکالا ان کو باہر اور بندہ مر گیا سُہ مورُکھ اس کو مارا تمس ترووکھ ٹاس تمہ پتہ ژھنُکھ دریابس چلو یہ ہو گیا سوسائڈ کیس اور اس کے بعد بھی جس نے یہ سب کچھ کیا وہ ابھی گھوم رہا ہے پریس کالونی میں آپ مجھے اس سرکار کو بولے کون سا ایکشن اٹھایا اس پہ ہاں اس نے بندے کا مرڈر کیا وہ بھی مر گیا اس کے گھر والے ابھی سڑک پہ ہیں دیکھیے ہم سڑک پہ ہیں نا اچھا یہاں کے محلے والے کو بولے امس دتک سرات سران تہ سران چھ دیوا پنہ گھر تہ سران دی انسان سڑکہ پہ امس دتک سران تہ پنہ گھر پہ اور بندہ دیکھیے نا آپ میں گورنمنٹ سے اپیل کر رہی ہوں وہ بندہ جو 20-20 گنڈے لے کے آیا تھا وہ کیسے پریس کالونی میں بہت اچھے سے دے رہا ہے بیان جھوٹا بیان اور اس کا ایک بیان جھوٹا ہے وہ بول رہا ہے کہ میں اس لیے 20 بندے لے کے گیا کہیں یہ لوگ مجھے حملہ نہ کریں آپ مجھے بولیے گھر میں ایک عورت ہیں اور دو بھائی ہیں دو بھائی حملہ کریں گے 20 لوگوں پہ کہ 20 لوگ حملہ کریں گے 3 لوگوں پہ آپ اس چیز کو دیکھیں وہ بیان میں کیا دے رہا ہے بول رہا ہے بہ گوس توے بہ نفر ہیتھ کہ یہ کرن میں حملہ ون زنان موہنیو تو زنفر کرنا حملہ ہاں